सोडाला थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई मंदिर केयर टेकर की हत्या का मामला 48 घंटों में पुलिस ने सुलझाया। मुलजिम को किया गिरफ्तार, खुलासा डीसीपी साउथ हरेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने बताया आरोपी को पकड़ने के लिए 100 पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। सीसी फुटेज खंगाले गए, लोगों से पूछताछ की गई, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से पूछा गया। उसके बाद में गोकुल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि मृतक का पड़ोसी था। उसके 3 साथी भी बताए गए। मंदिर में दान के पैसों को लूटने का मामला था। पूछताछ में बताया कि मृतक को सिर्फ काबू करना था। इस मामले में 6 थाना अधिकारी, एडीसीपी और 3 एसीपी व पुलिस थानों की पूरी टीमों ने मिलकर कामयाबी हासिल की। 26 जनवरी को सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सोडाला थाना अंतर्गत राकड़ी क्षेत्र के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर के केयरटेकर की हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर सभी सीनियर अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर साहब और हम सभी लोग वहां पर पहुंचे। मौके को हमने देखा और मौके पर ही हमने FSL, डॉग स्क्वाड और MOB टीम को बुलाया और इन सभी टीमों से हम लोगों ने साक्ष्य संकलित करवाना शुरू किया। घटनास्थल को देखने के बाद जो बात सामने आई वो ये था कि घटना में हो सकता है आसपास के ही लोगों का हाथ होने की संभावना हमें नज़र आई। सभी सीनियर अधिकारियों ने मौके पर कैंप किया और कैंप करने के बाद हमने वहाँ पर अलग अलग टीमें बनाई। 9 SHOs और 3 डिप्टी SPs इसके नेतृत्व में हमने लगभग 12 टीमों का गठन किया। इन सभी टीमों ने अपना अलग अलग काम किया। खासतौर पर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर हमने जो CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज हम लोगों ने देखना शुरू की। उसके आधार पर हमें जो क्लू मिलना चाहिए था वो हमें उसकी तलाश की। इसके अतिरिक्त CCTV कैमरों के साथ साथ ही जो आसपास के जो संदिग्ध लोग हैं उन सभी लोगों को भी हम लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया। पहले दिन हमारे को सारी चीज़ों की कार्य प्रणाली के बाद में हमारा जो दायरा था उस दायरे में हमें सफलता थोड़ी कम मिली। अगले दिन फिर हम लोगों ने उस एरिया को और आगे तक बढ़ाया और सभी टीमों ने पुनः अपनी एनर्जी के साथ काम करना शुरू किया, तो जिसमें कि हमें कुछ CCTV कैमरों से हमें कुछ इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले। देर रात की घटना थी तो देर रात के अंदर किन लोगों ने वहाँ पर मूवमेंट किया, ये सारी चीज़ें हमें उन सब चीज़ों से प्राप्त हुई। उन सब चीज़ों के आधार पर हम लोगों ने जो लगभग 30-35 कैमरेज थे उन कैमरेज के बाद में उन सभी की जो फुटेज निकाली उससे हमें जो चीज़ जानकारी मिली उसमें कुछ लोगों का हमें संदेह हुआ। पूरे एरिया को, खासतौर से जो आसपास के लगभग 150 घर हैं, सभी एरियाज़ को हमने सर्वे किया और ये भी देखा कि वहाँ से कहीं कोई आदमी मिसिंग तो नहीं है, किसी आदमी का मोबाइल फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ तो नहीं है। इन सभी सूचना के साथ साथ हमने आसूचना संकलन की, जिसकी वजह से कि हमें कई चीज़ों की जानकारी होगी और जानकारी के साथ फिर हमने कुछ लोगों को पिन पॉइंट किया और उसी जानकारी के आधार पर, उसी संदेह के आधार पर हमें एक मुलजिम को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इस मुलजिम का नाम जो है गोकुल है और इसको हम लोगों ने पकड़ा है। अभी इससे हमें घटना की जानकारी सारी प्राप्त हुई है। ये गोकुल और इसके अन्य जो सहयोगी हैं, इन लोगों ने ये जानकारी इनके पास थी कि जो केयर टेकर शराब के नशे में रात के अंदर वहाँ पर रहता है और उसको ओवरपावर करना आसान है, काबू करना आसान है। इस आधार पर इन्होंने उस मंदिर में घुस करके ये उस केयरटेकर को हम लोग काबू में कर लेंगे और काबू करने के बाद जो मंदिर के पास वाला जो कमरा है जिसमें कि समिति का कार्यालय, वहाँ पर पैसे होने की इनके पास जानकारी थी और उस पैसे को लेकर के जाने का प्लान था।